सो गाइस अपना ऑर्डर आ चुका है, तो चलो अब इसको खोलते हैं एंड दिखाते हैं आपको। तो चलो अब इसको अनबॉक्स करते हैं। गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और अभी फ़िलहाल रात के 8 बज रहे हैं एंड फिलहाल अभी मैंने बर्गर किंग से कुछ ऑर्डर किया है, तो वो क्या ऑर्डर होने वाला वो आप जानने के लिए व्लॉग को एंड तक देखना। एंड जोमेटो से मैंने मंगाया था बिकॉज जोमेटो की जो डिलीवरी चार्जेस वगैरह वो थोड़े से कम है एज़ कम्पेयर टू स्विगी। तो अभी बस अप्रोक्स 20 से 25 मिनट में आने वाला है ऑर्डर, तो बाकी मैं बहुत एक्साइटेड हुआ बिकॉज एक मेरे को बहुत सही डील मिल गई थी। मेरे को कॉम्बो मंगाया मैंने एक, तो अभी जस्ट आता है वो तो मैं दिखाता हूँ आपको। एंड यार मेरे को ना बर्गर किंग बहुत ही सही लगता है, मतलब एज़ कम्पेयर टू मैकडोनल्ड्स एंड ऑल, बिकॉज मैकडोनल्ड्स वगैरह की क्वालिटी ना काफ़ी डिग्रेड हो चुकी है, बर्गर किंग में थोड़ा सा भी मतलब क्वालिटी रहती है, मतलब उनके टेस्ट में उनकी जो ओवरऑल क्वालिटी है वो अभी भी है। तो चलो भाई देखते हैं क्या आता है, क्या कैसा रहता है एंड शेयर करते हैं आपसे फिर। सो गाइस अपना ऑर्डर आ चुका है, तो चलो अब इसको खोलते हैं एंड दिखाते हैं आपको। तो चलो अब इसको अनबॉक्स करते हैं। इसको अनबॉक्स कर रहा हूँ, तो एक तो इसमें भाई ये बर्गर है, क्रिस्पी वेज बर्गर, और इसमें ये कोल्ड कॉफ़ी, लैटे कोल्ड कॉफ़ी, और एक स्ट्रॉ है, केचप एक ही दिए यार, केचप दो दिन के हूँ, कुछ टिश्यू पेपर है। तो चलो अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसको। एंड भाई बहुत ही अच्छा इसमें इसकी अरोमा बहुत अच्छी आ रही है, तो चलो अभी खाते हैं एंड दिखाते हैं आपको। भाई आ चुका है अपना बर्गर, अभी खाता हूँ इसको और बताता हूँ आपको कैसा है। भाई बहुत ही टेस्टी आ रहा है, और एज कम्पेयर टू मैकडोनल्ड्स में जो बर्गर मिलता है उससे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है ये। मैं हमेशा बर्गर किंग से ही मंगाता हूँ, यही प्रेफर करता हूँ। बाकी ये अपनी आइस लैटे उसको ही पीता हूँ, इसका बताता हूँ आपको। मैं इसको अनबॉक्स करता हूँ, और इसकी पैकेजिंग बहुत देखो कितनी अच्छी है, बहुत स्ट्रॉन्ग पैकेजिंग दी हुई है इसकी। और अब मैं इसको एक बार खोल देता हूँ। गाइस ये अपनी आइस लैटे, और ये बहुत ही सही लग रही है दिखने में। अरे थोड़ी सी ना मतलब आई थिंक बर्फ इसकी मेल्ट हो रही है, थोड़ी सी पतली हो गई है, बट ठीक है टेस्ट में तो फिर भी ठीक है भाई, बहुत ही अमेजिंग है यार। डिनर तो कर लिया था एंड भाई बहुत ही अमेजिंग था, मतलब बर्गर किंग का मानना पड़ेगा भाई। और अभी बस मैं जा रहा था नीचे थोड़ा सा वॉक करने के लिए, बिकॉज डिनर के बाद यूजुअली करता हूँ वॉक, तो बस अभी चलते हैं नीचे एंड वॉक करके फिर उसके बाद थोड़ी देर करूँगा वॉक एंड फिर आऊँगा वापस। तो चलो अभी चलते हैं एंड दिखाते हैं आपको। और भाई मौसम बहुत ही सही हो रहा है यार, भाई बहुत ही अमेजिंग मौसम हो रहा है यार, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और आजकल मौसम में यार बहुत ठंडक आ चुकी है, तो भाई बहुत ही अमेजिंग है यार। तो इस फिलहाल अभी मैं कर रहा हूँ वॉक, एंड भाई इस मौसम में वॉक करने का यार बहुत अलग ही मतलब मज़ा आता है, खास तौर से शाम के टाइम पे, बिकॉज़ क्या है ठंडी ठंडी हवा चलती है एंड एकदम भाई बहुत मस्त वो हो रहा है भाई, बहुत मस्त एनवायरनमेंट हो रहा है, मौसम हो रहा है कह सकते हैं। तो बाकी अभी चलते हैं ऊपर, अभी मैं आ गया था ऊपर घर एंड फिलहाल कुछ अपना काम निपटाया था, पेंडिंग काम था मेरा कुछ, फोन निपटाया था। गाइस फिलहाल अभी डिनर वगैरह हो गया था एंड बाकी अभी बस थोड़ा सा अपना काम निपटाया था, पेंडिंग काम था कुछ। तो बाकी यार चलो करते हैं आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड। आई होप आपको मेरा छोटा सा व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा, एंड अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए गाइस कल मिलते हैं इसी एक नए ब्लॉग में, और कल का ब्लॉग बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, बिकॉज़ कल बहुत ही एक यूनिक एंड बहुत अमेजिंग टॉपिक के ऊपर मैं ब्लॉग बनाने वाला हूँ, तो कल का ब्लॉग देखना बिल्कुल भी ना भूलें।
तो चलो गाइस करते हैं आज के श्लोक का ही पेंट। आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो करते हैं आज के श्लोक का ही पेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।